शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे और शाहरुख को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंत में इस चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया एस चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ कि एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर यश चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जैदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसिडर किया गया शाहरुख खान इन दिनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे ये चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देखकर शाहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देख एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज़ पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरुख की नजर उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी काका किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आसकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजय यानी शाहरुख खान नाम का एक अमीर चेहदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिलमिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ ले ली करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जानबूझकर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि काश सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के हीरो सनी देवल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का 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 किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देवल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और यह तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत फहमिया और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती हैं अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल नाइनटीन में आई फिल्म डर एक तरफ़ा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अशरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अश्वरा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश उससे सब कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यू मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक डर 1993 में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शहरुख खान हैं। इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे एस चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरि ने इसके वितरक थे यश राज फिल्म्स। ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह किरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरी ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छः मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू तो मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदय नारायण ने यह सॉन्ग छः मिनट सात सेकंड का था चौथा सांग था इश्क बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला तो बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे वो शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंतमेश चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया एस चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की, की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुँच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में ज्यादती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दिनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यह शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बया करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर चदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफ़ी हद तक तो कुछ यही बयां करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की ज़िंदियाँ ले ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान कर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि काश सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का का का, का किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देवल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देओल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर देख ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी दे ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अश्वर्य राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अश्रा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी अशुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश उससे सब कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्म बेहद प्रासंगिक है तिरानवे में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शाहरुख खान हैं इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे यश चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने इसके वितरक थे यशराज फिल्म्स ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील के की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह अकिरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरि ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छ मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदित नारायण ने यह सॉन्ग छह मिनट सात सेकंड का था चौथा सॉन्ग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पांचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सॉन्ग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे वो शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंतमेश चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शाहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लेम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मैसेट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्टेक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दोनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरुख की नज़र उस पर पड़ी पहली नज़र में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर चादा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ लील ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान कर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि काश सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देओल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का का का, का किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देओल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देओल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा विलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराज़गी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सुनी देवल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफ़ा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में ज़िंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अशरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेनतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अशरा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदिनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदिनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नज़र से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश रच कर उससे कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यू मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक प्रसंगिक है तिरानवे में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देओल जूही चावला और शाहरुख खान हैं इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे यश चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने इसके वितरक थे यश फिल्म्स ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह किरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरी ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छः मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदित नारायण ने यह सॉन्ग छह मिनट सात सेकंड का था चौथा सॉन्ग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे वह शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंत में चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि नाइनटीन में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसेट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जैदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसिडर किया गया शाहरुख खान इन दोनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देखकर शाहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज़ पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी काका किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई ज़िंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी यानी शहरुख खान नाम का एक अमीर चादा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिलमिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की ज़िंदियाँ ले ली, ली करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जानबूझकर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि कहा सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी बात समझनी है। जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का 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 किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देवल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर देखिए जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत फहमिया और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती हैं अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल नाइनटीन में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सुनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अशरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अशरा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश उससे सब कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यू मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक डर 1993 में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शहरुख खान हैं। इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे यश इस चोपड़ा इसके निर्माता थे इस चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरि ने इसके वितरक थे यश राज ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह अकिरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरी ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छः मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदय नारायण ने यह सॉन्ग छः मिनट सात सेकंड का था चौथा सांग था दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और कर पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां संघ था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे और शाहरुख को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंतमेश चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की, की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में ज्यादती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दिनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यह शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नजर उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर जदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ ले ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान कर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि कहा सोनम जोया कुंदे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है। जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का का का, का किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देओल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर देख ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरट के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अश्वरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अश्रा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल, खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश उससे सब कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यूँ मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती हैं लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक हैं है तिरानवे में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शाहरुख खान हैं इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे यश चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने इसके वितरक थे यश राज ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह अकिरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरि ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छ मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदित नारायण ने यह सॉन्ग छह मिनट सात सेकंड का था चौथा सांग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे वो शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंत अंतमेश चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्टेक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दोनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांझड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुदा अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शाहरुख खान नाम का एक अमीर चदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियां ले ली करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि काश सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के हीरो सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देओल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का 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 किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देओल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देओल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज़्यादा विलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सुनी देवल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थित से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अशरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेनतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अशरा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदिनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदिनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नज़र से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश रच कर उससे कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद अल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूमि और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यू मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती हैं लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक प्रसंगिक है तिरानवे में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देओल जूही चावला और शाहरुख खान हैं इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस चोपड़ा इसके निर्माता थे यश चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने इसके वितरक थे यशराज फिल्म्स ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह किरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरि ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छः मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदित नारायण ने यह सॉन्ग छह मिनट सात सेकंड का था चौथा सॉन्ग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे और शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंत में इस चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शाहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि नाइनटीन में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जैदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसिडर किया गया शाहरुख खान इन दोनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देखकर शाहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज़ पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी काका किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई ज़िंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर चैदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिलमिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश होती है उसकी जिंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ लील ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जानबूझकर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि कहा सोनम जोया कुंदे ने नहीं धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी बात समझनी है। जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का 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 किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देवल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर देखिए जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत फहमिया और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती हैं अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल नाइनटीन में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अशरा राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अशरा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश उससे सब कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूमि और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यू मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्में बेहद प्रासंगिक डर 1993 में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शहरुख खान हैं। इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे यश चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरि ने इसके वितरक थे यश फिल्म्स ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह अकीरत की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरी ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छ मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदय नारायण ने यह सॉन्ग छह मिनट सात सेकंड का था चौथा सांग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पांचवा सॉन्ग था सोलह बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गाया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे और शाहरुख को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले ही राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने पॉजिटिव वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंत में चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया एस चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊँचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुँच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ कि एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर इस चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में ज्यादती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दिनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रसेस देखे और काम चलाओ एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यह शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का, का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर चैदा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफ़ी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ ले ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान कर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि कहा सोनम जोया कुंदे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का 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 किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देओल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर देख ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देओल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिति से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरट के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान अश्वर्य राय बच्चन और अजय देवगन के साथ हम दिल दे चुके सनम बनाई थी दोनों एक दूसरे से बेानतहा मोहब्बत करते हैं लेकिन अचानक से अश्रा राय द्वारा निभाए जाने वाले किरदार नंदनी की शादी अजय देवगन के किरदार वनराज से हो जाती है जबकि नंदनी का प्यार सलमान खान का किरदार समीर दूर हो जाता है वनराज नंदिनी से पहले नजर से ही प्यार करता है शादी के बाद उसका प्यार और बढ़ जाता है लेकिन किसी भी एक तरफा प्यार का सबसे बड़ा इंतहान तब होता है जब उसे पता चले कि उसकी पत्नी किसी दूसरे शख्स से प्यार करती है यह फिल्म एक तरफा प्यार की ताकत को एक कदम और आगे ले जाती है वनराज अपनी पत्नी को उसके प्रेमी से मिलाने के लिए लेकर जाता है अंत में उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो पीछे नहीं हटता एक तरफा प्यार का एक और जो बड़ा रूप देखने को मिलता है उस पर संजीव लीला भंसाली ने ही साल 2002 में देवदास बनाई थी देवदास हिंदी सिनेमा में पहले भी बन चुकी है लेकिन इस फिल्म को ज्यादा लोगों ने देखा इस फिल्म में मुख्य किरदार देव बाबू यानी शहरुख खान पारो यानी असुरा राय और चंद्रमुखी यानी माधुरी दीक्षित निभा रहे थे इस फिल्म में देव पारो से बहुत प्यार करता है लेकिन उसकी शादी नहीं हो पाती वह एक तरफा प्यार में जब कुछ नहीं कर पाता तो खुद को तबाह करने का मन बना लेता है आखिरकार देव पारो के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देता है एक तरफा प्यार ने अक्सर रिश्तों की मधुरता को एक काले खेल में तब्दील कर देता है कई बार दो ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं एक तरफा प्यार के चक्कर में वही एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर बेहद गंदा खेल खेलते हैं साल 2005 में आदित्य दत्त की फिल्म आशिक बनाया आपने इस काले पक्ष को उजागर करती है फिल्म में सोनू सूद जो करण के किरदार निभा रहे थे वो तानुश्री दत्त के किरदार स्नेहा को बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक तरफा वो कभी नहीं बताते लेकिन जब स्नेहा इमरान हाशमी के किरदार से प्यार करने लगती है तो करण अपने दोस्त बिक्की के खिलाफ साजिश रच कर उससे कुछ छीन लेता है साल 2016 में आनंद एल राय ने सोनम कपूर अभय देवल और धनुष के साथ मिलकर एक फिल्म बनाई भारत के यूपी के वाराणसी शहर की पृष्ठभूम और और हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्मों से आने वाले दो किरदारों की इस कहानी में कुंदन बचपन से ही जोया से प्यार करता है लेकिन एक तरफा जोया जसजीत सिंह नाम के जेएनयू के एक छात्र व यूनियन में चुनाव में सक्रिय से प्यार करती है कहानी कुछ यूं मोड़ लेती है कि कुंदन की एक गलती की वजह से जसजीत सिंह की मौत हो जाती है इसके बाद एक तरफा मोहब्बत एक नए स्तर पर पहुंच जाती है कुंदन अपना सब कुछ पहले ही जोया पर हार चुका होता है आखिर में जोया के कहने पर सब कुछ जानते हुए भी अपनी जान दे देता है इस तरह की बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं जो एक तरफा प्यार के कई आयामों को दिखाती है लेकिन आज भी यह फिल्म बेहद प्रसंगिक है तिरानवे में बनी हिंदी भाषा की थ्रिलर प्रेम कहानी फिल्म है यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाओं में सनी देवल जूही चावला और शाहरुख खान हैं इसमें अनुपम खेर तानवी आजमी और दलीप ताहिल भी हैं फिल्म आलोचकों और दर्शकों द्वारा पसंद की गई थी फिल्म और उसके कलाकारों की प्रशंसा करते हुए इसे घरेलू और विदेशी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था इस फिल्म के निर्देशक थे एस इस चोपड़ा इसके निर्माता थे एस चोपड़ा इस फिल्म को लिखा था हनी ईरानी ने इसमें मुख्य अभिनेता थे सनी देवल जूही चावला शहरुख खान अनु कपूर और अनुपम खेर इसमें संगीत दिया था शिवहरी ने इसके वितरक थे यश राज ये रिलीज हुई थी चौबीस दिसंबर उन्नीस को यह भारत में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी में हमें दिखाया गया था कि किरण यानी जूही चावला होली के जरिए काले से लौटती है उसके घर में भाई विजय यानी अनुपम खेर और भाभी पूनम यानी तानवी आजमी है उसका पीछा सहपाठी राहुल यानी शहरुख खान द्वारा किया जा रहा है जो उसकी लालसा रखता है किरण का प्रेमी सुनील यानी सनी देवल एक नौसेना अधिकारी है और उच्च समुद्रों पर कुछ मिशन पर है सुनील के कप्तान मेहरा यानी दलीप ताहिल राहुल के पिता भी हैं किरण के करीब आने के लिए राहुल सुनील के साथ दोस्ताना बनाने की कोशिश करता है जब राहुल को किरण और सुनील की सगाई की खबर प्राप्त होती है तो वह शादी की अंगूठी के लिए खरीदारी करते समय सुनील को मारने की कोशिश करता है किरण और सुनील शादी कर लेते हैं लेकिन राहुल अभी भी किरण को छोड़ने से इनकार करता है सुनील किरण को स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए ले जाता है राहुल भी वहाँ पहुँच जाता है और किरण का दोस्त बनकर उसके घर में घुस जाता है किरण का भाई राहुल को पहचान लेता है कि वो ही उसका पीछा करने वाला है वह किरण की सहमत के बिना शादी करना चाहता है लेकिन सुनील आकर उसे मार देता है इस फिल्म में संगीत दिया था शिवहरि ने यह एल्बम साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम थी इसका संगीत 1993 में जारी किया गया था इसके सारे गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे इसमें पहला सॉन्ग था जादू तेरी नजर जिसे गाया था उदय नारायण ने यह गाना था चार मिनट इकतालीस सेकेंड का दूसरा सॉन्ग था दरवाजा बंद कर लो जिसे गाया था लता मंगेशकर और अभिजीत भट्टाचार्य ने यह गाना था छ मिनट पाँच सेकंड का तीसरा सांग था तू मेरे सामने जिसे गाया था लता मंगेशकर उदित नारायण ने यह सॉन्ग छः मिनट सात सेकंड का था चौथा सॉन्ग था इश्क दा बुरा रोग जिसे गाया था लता मंगेशकर और बिनोद राठौड़ ने पाँचवा सॉन्ग था सोला बटन जिसे गाया था लता मंगेशकर कविता कृष्णमूर्ति और पमेल चोपड़ा ने छठा सांग था लिखा है इन हवाओं पे जिसे गया था लता मंगेशकर और हरिहरन ने सातवां सातवांग था अंग से अंग लगाना जिसे गाया था अलका यज्ञ विनोद राठौड़ सुदेश भोसले और देवकी पंडित ने इस फिल्म को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार के लिए अनुपम खेर को पुरस्कार दिया गया था अनुपम खेर को 1994 में फिल्म फेयर सबसे हास अभिनेता पुरस्कार दिया गया था शाहरुख खान नाम तो सब ने सुना होगा वो लड़का जो आज पूरी दुनिया में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता है बावजूद इसके कि उसने अपने करियर में ढेरों फिल्मों में नेगेटिव किरदार किए हैं शुरुआत की थी दीवाना से और आज सबको अपना दीवाना बनाकर छोड़ दिया है एक वक्त ऐसा भी आया था जो फिल्में सब एक्टर करने से इनकार कर देते थे वो शहरों को मिलती थी वो उसमें पूरी शिद्दत झोंक देते थे ऐसी एक फिल्म थी डर इसे स्टार्किंग इस की बाइबल कहा जा सकता है डर 24 दिसंबर उन्नीस को रिलीज हुई थी फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें और किस्से हम आपके लिए लाए हैं आइए जानते हैं इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर बहुत लफड़ा हुआ था सनी देओल तो बड़े स्टार थे उन्हें डायरेक्टर ने पहले राहुल मेहरा और सुनील मल्होत्रा में से एक किरदार चुनने को बोल दिया था जिसमें सनी ने वाला कैरेक्टर चुना था सुनील का अपनी रियल लाइफ इमेज के चक्कर में कोई भी एक्टर राहुल वाला किरदार नहीं करना चाहता था पहले रोल ऑफर हुआ था संजय दत्त को लेकिन उनका जेल का कार्यक्रम बन पड़ा अगला ऑफर अजय देवगन को गया लेकिन उनके पास डेट नहीं थी अंतमेश चोपड़ा ने फिल्म के लिए आमिर खान और दिव्या भारती को चुन लिया उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पहले आमिर के साथ परंपरा में काम कर चुके थे आमिर के तमाम नखरे थे उन्हें फिल्म में दिव्या भारती के बदले जूही चावला चाहिए थी डायरेक्टर ने वो भी किया अब आमिर का कहना था कि एक सीन में सनी देओल का किरदार उन्हें पंच पे पंच मारे जा रहा है जो उन्हें कतई मंजूर नहीं है आखिरकार आमिर ने फिल्म छोड़ दी थक हार कर एस चोपड़ा ने अपनी फिल्म के लिए इंडस्ट्री में कदम जमाने की कोशिश कर रहे शहरुख खान को साइन कर लिया फिल्म डर का आइडिया यश चोपड़ा को उनके बेटे उदय और एक्टर ऋतिक रोशन ने दिया था दोनों ने साथ में निकोल किडमैन की हॉलीवुड फिल्म डेड क्लैम जो कि 1989 में आई थी देखी थी जो कोमा बेस इसी थीम पर थी उदय को यह फिल्म बहुत पसंद आई उन्होंने अपने बड़े भाई आदित्य को भी दिखाई वो भी इम्प्रेस हो गए बात अब ऊंचे लेवल तक होने लगी और पापा तक पहुंच गई पापा ने तय किया कि इस विषय पर फिल्म बनेगी फिल्म का नाम उनकी लीडिंग लेडी के नाम पर रहेगा किरण उस वक्त ऋतिक रोशन भी अपनी एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे नाम रखा था डर यह नाम यश चोपड़ा की फिल्म के सब्जेक्ट से भी बहुत मैच हो रहा था यश चोपड़ा अपनी फिल्म का यही नाम रखना चाहते थे लेकिन एक पेंच फंस रहा था राम से ब्रदर्स ने अपनी आने वाली किसी भूतहा फिल्म के लिए यह नाम रजिस्टर करवा रखा था यश चोपड़ा के कहने पर उन्होंने नाम इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी मतलब शाहरुख खान को सुपरस्टार बनाने वाली फिल्म में मसाला ऋतिक रोशन ने भी दिया था सनी देओल वैसे तो बड़े सौम्य इंसान हैं लेकिन उनका गुस्सा भी जग जाना है उनके इसी गुस्से से जुड़ा एक वाकया डर फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था हुआ यूं एक सीन में शाहरुख खान सनी को चाकू मारने वाले थे ये डायरेक्टर का आदेश था जबकि सनी इस सीन को लेकर यश चोपड़ा से काफी बहस हुई थी उनका कहना था कि फिल्म में वो एक कमांडो हैं बिल्कुल फिट हैं उन्हें एक लड़का आकर चाकू मार देगा तो फिर वो कमांडो किस काम के हैं अब डायरेक्टर ने कहा तो शूट तो करना ही था इस सीन को शूट करने के दौरान सनी बहुत गुस्से में थे इसी गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए लोग बताते हैं कि उनका चेहरा बिल्कुल तमतमा रहा था और गुस्से में बंधी हुई मुट्ठी ने उनके पैंट की दोनों जेबें फाड़ दी थी उसके बाद मेसट पर मौजूद सभी लोग सनी के आसपास फटकने से भी कतराते थे इसे सनी ने अपने एक इंटरव्यू में भी कबूल किया था सनी का कहना है कि उनके साथ इस फिल्म में जदती हुई थी जैसे उनका किरदार पेपर पर लिखा गया था उसे उनसे अलग तरीके से शूट किया गया उनका यह भी मानना था कि फिल्म में उनसे ज्यादा शहरुख के किरदार पर फोकस किया गया था डर के बाद सनी देओल ने न तो कोई यशराज के साथ फिल्म बनाई और न ही शहरुख खान के साथ डर के लिए साइन कर लिए जाने के बावजूद यश और आदित्य चोपड़ा को शहरुख खान पसंद नहीं थे यश चोपड़ा को हनी ईरानी का लिखा इस फिल्म का प्लाट बहुत पसंद था वो किसी भी हाल में फिल्म बनाना चाहते थे कई सारे एलिस्ट एक्टरों के मना कर देने के बाद ये फिल्म मुश्किल में पड़ती नजर आ रही थी ऐसे में शाहरुख खान का नाम एक नया लड़का जो टीवी से आया था और कुछ फिल्म कर चुका था को कंसीडर किया गया शाहरुख खान इन दोनों फिल्म किंग अंकल की शूटिंग कर रहे थे यश चोपड़ा ने उसके कुछ रशेस देखे और काम चलाव एक्टिंग देख कर शहरुख को फिल्म में ले लिया शाहरुख की काबिलियत को भापने के लिए सबसे पहले होली वाला अंग से अंग लगाना गाना शूट किया गया यहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखकर एक बार को तो यश चोपड़ा भी चौंक गए इसके बाद जैसा सनी कहते हैं कि राहुल मेहरा के किरदार पर सुनील मल्होत्रा से ज्यादा फोकस किया जाने लगा उम्र महज पंद्रह साल नौ महीने और दो दिन उसी साल दसवीं का एग्जाम पास किया था कुछ महीने पहले की बात है स्कूल से क्लास खत्म करके सहेलियों के संग लौट रही थी हंसते बात करते हुए शहरों की नज़र उस पर पड़ी पहली नजर में अंकिता दिल में उतर गई वो दोस्ती करने के लिए उतावला हो गया अंकिता के दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया किसी तरह से उसका नंबर निकाल लिया रात बुरात कॉल करने लगा लाख मना करने के बाद भी दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा धीरे धीरे उसकी सनक बढ़ने लगी और अंकिता का बार बार मना करना उसे गुस्सा दिलाता रहा आखिर उसकी इस सनक अंकिता की जिंदगी में जहर घोल दिया और उसे नसीब हुई एक खौफनाक मौत यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है रियल है एकदम सच अपने ही देश में इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है एक तरफा प्यार कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसकी बानगी कई बार फिल्मी पर्दे पर दिखाई गई है शाहरुख खान ने डर फिल्म में जूही चावला के साथ कुछ ऐसा ही किया था धनुष और सोनम कपूर की रांछड़ा में भी तो यही हुआ था जब प्यार ना पाने के दर्द की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी थी का का किरण बस इतने ही शब्द काफी हैं शाहरुख खान की फिल्म डर की याद दिलाने के लिए यह उन्नीस साल पहले रिलीज हुई थी लेकिन कहानी ऐसे ही आशकों की कहानी बयां करती है जो प्यार पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं खुद अपने प्यार को भी मारने में गुरेज नहीं करते शाहरुख खान की आंखों में जूही चावला को पाने का जुनून देख ऑडियंस की रूह कांप गई थी जूही ने स्क्रीन पर जो डर दिखाया था उस डर से न जाने कितनी लड़कियां हर दिन गुजरती हैं एक तरफा प्यार का अंजाम दर्दनाक था शाहरुख खान की एक ही एक और मूवी थी अंजाम इसमें शाहरुख खान के साथ माधुरी दीक्षित दीपिका तिजोरी और टीनू आनंद जैसे सितारे थे कहानी बहुत दर्दनाक थी एक तरफा प्यार ने एक लड़की की बसी बसाई जिंदगी को पूरी तरह से उजाड़ दिया था सब कुछ तबाह कर दिया था विजयनी शहरुख खान नाम का एक अमीर चादा जो शिवानी यानी माधुरी दीक्षित से मन ही मन प्यार करने लगता है अपनी माँ के शादी का प्रपोजल लेकर उसके घर चला जाता है वहाँ पता चलता है कि शिवानी ने उससे शादी कर ली है जिसको वो प्यार करती है दोनों विदेश चले जाते हैं हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रहे होते हैं लेकिन इधर विजय अंदर ही अंदर तिल मिलाता रहता है जैसे ही उसे मौका मिलता है वो शिवानी के पति का दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोग देता है यानी उसको मरवा देता है उसकी मौत का इल्जाम शिवानी पर ही डलवा देता है इतना सब होने के बाद भी जब शिवानी उसके प्यार को कबूल नहीं करती तो वो उसको भी मारने की कोशिश करता है क्या प्यार का दूसरा नाम बदला होता है ये फिल्में काफी हद तक तो कुछ यही बया करती हैं विजय के एक तरफा प्यार ने शिवानी को कैसा बना दिया पता है मासूम सी लड़की जो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश होती है उसकी ज़िंदगी में भूचाल लाने वाले विजय की वजह से वो भी विजय जैसा ही बन जाती है वो बदला लेने की ठानती है हॉस्पिटल जाकर एक्सीडेंट में पैरालाइज हो चुके विजय को पहले ठीक करती है इसके बाद उसे मौत के घाट उतार देती है और खुद भी मर जाती है आखिर ऐसे प्यार से किसी का कुछ भला क्या हुआ विजय के एक तरफा प्यार ने कितनों की जिंदगियाँ लील ली, ली। करीब नौ साल पहले की बात है रांझड़ा मूवी आई थी यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ प्यार की वजह से दो जाने चली गई पहले धनुष की वजह से सोनम कपूर की मोहब्बत अभय देवल की मौत गलती से हो गई फिर प्यार का बदला लेने के लिए सोनम ने धनुष को जान कर मौत की आग में झोंक दिया प्यार हासिल नहीं कर सकते बस यही समझना है फिल्म हिट रही कहानी देख ऑडियंस की आंख नम हुई दिल में दर्द भी हुआ कि कहा सोनम जोया कुे ने धनुष के प्यार को कबूल कर लेती तो ऐसा नहीं होता लेकिन प्यार तो प्यार होता है ना जबरदस्ती नहीं होता प्यार को हासिल नहीं किया जा सकता बस इतनी सी बात समझनी है जब भी किंग खान का जिक्र होता है जहन में एक रोमांटिक हीरो का चेहरा नजर आता है हालांकि शाहरुख ने कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं जैसे कि डर इस फिल्म में शाहरुख खान एक विलन बने थे हालांकि इस फिल्म में जितनी सुर्खियां उन्होंने बटोरी उतनी तो फिल्म के सनी देओल ने भी नहीं बटोर सके और इसी की नाराजगी में सनी देवल ने शहरुख से सालों तक बात नहीं की थी डर फिल्म ही थी जिसमें शहरुख खान का का का, का किरण वाला डायलॉग ऐसा छाया कि आज तक लोगों की जुबा पर जरूर आता है इस फिल्म में वैसे तो हीरो यानी सनी देवल थे जो एक कमांडो के किरदार में थे वही जूही चावला लीड एक्ट्रेस के रोल में थी लेकिन सनी देवल का मानना था कि इस फिल्म में हीरो से ज्यादा बिलन को पावरफुल दिखाया गया था जो उन्हें पता नहीं था सनी देओल ने कई दफ़ा इंटरव्यू में डर फिल्म यश चोपड़ा और शाहरुख खान के लिए अपनी नाराजगी जाहिर की थी फिल्म में आखिरी सीन ऐसा था कि शाहरुख खान के हाथों सनी को मारना था लेकिन सनी का मानना था कि यह कमांडो चाकू से कैसे मर सकता है हालांकि यश चोपड़ा के आगे बोलने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी लेकिन सनी का गुस्सा सेट पर ही जाता था रिपोर्ट्स के मुताबिक शूटिंग के वक्त सनी अपनी जेब के अंदर हाथ डाले खड़े थे गुस्से को पी रहे थे लेकिन गुस्सा इस कदर था कि उनकी जेब फट गई थी इस फिल्म के बाद सालों तक सनी ने शाहरुख से बात नहीं की और ये तब मिट्टी जब उनके बेटे करण देवल ने पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था शाहरुख खान ने ट्विटर पर उन्हें बधाई दी थी और सनी देवल की भी तारीफ की इसी पर सनी देवल ने गुस्सा भूल उन्हें धन्यवाद कहा सही कहा है किसी ने सारी गलत और नाराजगी पल भर में दूर हो जाती है अगर आप किसी से बात करने बैठे तो जैसा शाहरुख खान और सनी देवल के, के केस में हुआ साल 2016 में आई फिल्म ए दिल है मुश्किल का एक डायलॉग है एक तरफ़ा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है औरों के रिश्तों की तरह यह दो लोगों के बीच नहीं बढ़ती सिर्फ मेरा हक है इस पर यह डायलॉग कई लोगों की ज़िंदगी का फलसफा है लेकिन साल 1993 में आई फिल्म डर एक तरफा प्यार के अंधेरे पच को उजागर करती है असल में एक तरफ़ा इश्क के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर बॉलीवुड में कुछ बेहतरीन फिल्में बनी हैं असल में जिंदगी में कई लोग रियल लाइफ की कल्पना करते हैं इसलिए हर उस शख्स को जो इस तरह की मनोस्थिर से गुजर रहा हो उसे इन फिल्मों को जरूर देखना चाहिए साल 1993 में आई यश चोपड़ा की की फिल्म डर नाकाम प्रेमियों की उस कहानी को बयां करती है जिसका डर सबसे ज्यादा होता है राहुल किरण के लिए इस कदर पागल होता है कि उसके पति की हत्या की तैयारी कर लेता है ऐसी एक तरफा प्यार की कहानी का अंत हमेशा दुखद होता है अंत में राहुल को किरण के पति सुनील के हाथों मार दिया जाता है फिल्म में राहुल का किरदार शाहरुख खान किरण का किरदार जूही चावला और सुनील का किरदार सनी देओल ने निभाया था साल 1999 में संजय लीला भंसाली ने सलमान खान ऐश्वर्या राय बच्चन और